हमने पहले क्या सोचा था कि हम सीएम हम सीएम को बैक नहीं दिया, इसे किसको थोड़ा और पास नहीं, जब तक सर निकल जाए यहाँ से हम इनको ले लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रहती है और जो उनकी कंट्रीब्यूशन देश को है वो सेलिब्रेट की जाती है अक्रॉस द कंट्री, और साथ में इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है ना, तो वो दोनों फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट 31 तारीख को किए जाते हैं, और दोनों फंक्शन यहाँ पे रिच पे प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस का स्टेट लेवल फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, उसके रिहर्सल चल रहे हैं, और राष्ट्रीय एकता दिवस में एक परेड भी रहती है जिसमें 8 कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेंगे, उनके रिहर्सल अभी चल रहे हैं और तैयारियाँ चल रही हैं। आपको ज्ञात है कि कोई भी अभी सरकारी फंक्शन होता है, किसी भी लेवल का कोई भी प्रोसीजर रहता है, तो उसमें कोविड का पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और जो भी मैग्नीट्यूड होता था किसी फंक्शन का, स्केल होता था, उसको थोड़ा स्केल डाउन कर रहे हैं, वो करना ज़रूरी हो रहा है। तो कंटिजेंट परेड हर चीज़ का यहाँ पे जो गैदरिंग रहेगी उसका भी साइज़ कम रहेगा, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग पे सारे अरेंजमेंट्स करके वो पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।